कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूलकिट पर सारे लिखने सामने आ जाते हैं। कर रहे टूल मुझे हमें न्यूज 18 को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, समय पाता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कहां कवरेज करनी है कहां नहीं करनी। एक व्यक्ति को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है और बैठकर आप उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। डिबेट में अक्सर बीजेपी के नेता विपक्ष पर हावी होते दिखाई देते हैं और एंकर भी उनसे कम ही सवाल करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात बीजेपी के नेता संबित पात्रा की करेंगे। हम संबित पात्रा की वह डिबेट्स देखेंगे जिनमें पत्रकार ने संबित पात्रा की गलत बातों पर उन्हें टोका हो। आज तक पर संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ने ट्विटर फेसबुक के बैन होने की मांग को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर संबित पात्रा बात को गोलमोल घुमाने लगे, पर एंकर ने संबित को सही से जवाब देने को कहा। लेकिन आप ही को एक रूल पोजीशन लाना पड़ेगा ना। अंजना जी, संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड बोल दिया जाएगा। देखिए सर, अंजना जी ठीक है, ट्विटर जायंट है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो 130 करोड़ जनता चुन के लाती है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है, उनको चोर इत्यादि सब कुछ बताया जा सकता है, ट्विटर से एक ईमेल पे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये कैसे भगवान है ट्विटर, प्लीज वो तथ्य साझा कर लीजिए। नहीं अंजना जी, मैं बहुत सिंपल सवाल, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपने ट्विटर के खिलाफ क्यों किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि संबित पात्रा पर हो तो सरकार लग जाए कि ट्विटर बताओ भाई ऐसा क्यों कर दिया, कोई नहीं इम्यून है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक चिट्ठी हम ट्विटर को नहीं लिख सकते हैं, और ट्विटर क्यों नहीं जवाब देगी? ये सवाल कीजिए और पता भी लगाइए और बताइए भी, लेकिन उलझाते मत रहिए। ऐसा ना हो कि सप्ताह के सप्ताह कोविड जब इस तरह से देश में फैला हुआ है तो कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूलकिट पर सारे लिखने सामने आ जाते हैं, क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है ना सर। इंडिया टुडे पर कोरोना के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने संबित पात्रा से सरकार की कोरोना महामारी में तैयारी को लेकर सवाल किए, जिस पर संबित सरकार की तारीफ करने लगे, पर एंकर ने उन्हें रोका और सही से जवाब देने को कहा। समझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा चीन के आंकड़ों पर आप मन करके विश्वास नहीं कर सकते, हम नहीं करते भारत सरकार के आंकड़ों पर, तो मैं तो चीन पे कुछ भी मैं कह रहा हूँ, हम भारत सरकार के आंकड़ों पर तो विश्वास करें। आज हम 11 लाख वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं, हम तो 40 लाख लगाया करते थे, आज हम 11 लाख क्यों लगा रहे हैं एक दिन में? मैं इसका उत्तर देता हूँ, मुझे थोड़ा 10 सेकंड दीजिए इसमें, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। आज अगर हर दिन एक करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होगा तो बहुत, इससे बढ़िया कोई परिस्थिति नहीं। ये जनता को जानना चाहिए, बार बार जानना चाहिए। मई के महीने में 11 करोड़, जून के महीने में 11 करोड़, जुलाई के महीने में 15 करोड़, अगस्त के महीने में 37.8 करोड़, सितंबर के महीने में 52.9 करोड़, अक्टूबर के महीने में 54.3 करोड़, नवंबर के महीने में 61 करोड़, दिसंबर के महीने में 63 करोड़, ये हमारी टोटल वैक्सीनेशन फ्लो है। तो आपने दिसंबर का क्या बता दिया, आगे क्या होगा? सवाल ये है कि अभी क्या हुआ, जनवरी से लेकर अभी तक क्या हुआ, वो अभी का विषय, अभी कितनों को लग रही है? बहरहाल जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। न्यूज 18 पर नाता केस में कार्रवाई को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा बंगाल में हिंसक घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, तभी अमीश ने बीजेपी नेताओं द्वारा फेक वीडियो फैलाने को लेकर टिप्पणी की, जिस पर संबित पात्रा भड़क उठे और अमीश देवगन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, पर अमीश ने भी इसका करारा जवाब दिया। उन हिंदुओं को जिनको घर से बाहर धक्का देके निकाला गया है और जो कह रहे हैं हम अगर अपने धर्म को परिवर्तित कर देंगे तभी जाके हम बंगाल में रह पाएंगे, अरे ठीक कैसे है, कैसे ठीक है, मतलब क्या कमाल का हो रहा है? यहाँ पर हत्या पे हत्या हो रही है यार, रेप पे रेप हो रहा है, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है, ये सब किसी को नहीं दिख रहा है? देखिए, ये बदले के भाव से नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी है, ये बदले के भाव से नहीं हो रहा है, ये आप बोल रहे हैं रेप का, इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी, वीडियो फेक आए हैं, कई वीडियो फेक आए डॉक्टर पात्रा, कई वीडियो बीजेपी के नेताओं ने फेक ट्वीट करे जिसको पुलिस ने बोला ये फेक है ना। आपका चैनल कर क्या रहा, आपका चैनल वायलेंस नहीं दिखा सकता है? हाथरस में जाके आपके चैनल तो गिद्ध की तरह मंडरा रहा था, यहाँ पर कहाँ चला गया? हम हाथरस आपका चैनल कहाँ गया? मैं आपके चैनल, मुझे हमें न्यूज 18 को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, समय पाता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ कवरेज करनी है कहाँ नहीं करनी। हम हाथरस भी कवर करते हैं, हम बंगाल को भी कवर करते हैं, अगर गलती हुई होगी तो जरूर कवर कराए। आज तक पर बीजेपी द्वारा जीवित व्यक्ति की फोटो शेयर कर उसे मृत बताने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस मुद्दे पर जब एंकर ने संबित पात्रा से सवाल किए तो संबित पात्रा इसे गलती बताकर इल्जाम उसी व्यक्ति पर लगाने लगे जिसकी फोटो शेयर की गई, जिस पर एंकर संबित पात्रा पर भड़क उठी। बात यह है कि पिक्चर किसका यूज किया गया था, मेरा यूज किया गया है और किसी और का नहीं, ये है टॉपिक। रिग्रेट करके बीजेपी ने सही पिक्चर लगा दिया। संबित जी, दिस इज अनफेयर, संबित जी,
संबित जी नहीं देखे बोलेंगे एक सेकंड सर, संबित पात्रा जी को ममता बनर्जी वहाँ की हिंसा को डिफेंड करने के लिए बैठा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकार है और किसी भी पत्रकार के ऊपर संबित पात्रा वो सवाल नहीं खड़े कर सकती है। एक व्यक्ति को माध्यम ज्यादा होने की सबूत दे रहा है, उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये गलत बात है। कोई भी काम नहीं है और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए संबित। ठीक है, जब आपकी बात हो जाएगी ठीक है संबित, हो गई आपकी बात। एक व्यक्ति को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है और बैठकर आप उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे कम ही मौके आते हैं कि मीडिया बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल करता है। हम उम्मीद करेंगे कि गोदी मीडिया आगे भी इसी तरह बीजेपी के नेताओं से तीखे सवाल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।